अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, मेरी एक दुकान है और मेरी दुकान पर कोई बंदा आकर पूछता है कि क्या आप अंडे बेचते हो, और दूसरा बंदा आकर पूछता है कि क्या आपके दुकान में अंडे मिलते हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में आपको फ़र्क पता चल रहा है। पहला सेंटेंस जो था, क्या आप अंडे बेचते हैं, इसमें आप यानी कि प्रायोरिटी जो फोकस है वो आप पर है, यानी दुकानदार पर है कि क्या आप अंडे बेचते हैं। और दूसरा जो सेंटेंस पूछा गया है कि क्या आपके दुकान में अंडे मिलते हैं, वहाँ पर अंडा पर फोकस किया गया। तो जब हम किसी सेंटेंस में किसी पर्सन यानी किसी सब्जेक्ट यानी किसी काम करने वाले पर फोकस न देकर काम पर फोकस देते हैं हम, तो वो क्या कहलाता है, वो वॉइस कहलाता है। जैसे कि उसने बोला कि आप अंडे बेचते हैं, डू यू सेल एग्स। दूसरे बंदे ने पूछा कि क्या आपके दुकान में अंडे मिलते हैं, ये अंडे पे मींस अंडे पे फोकस किया गया कि क्या आपके दुकान में अंडा बेचा जाता है, मतलब इज एग सोल्ड इन योर शॉप। ओके फ्रेंड्स, वॉइस क्या होता है, वॉइस में और सिंपल सेंटेंसेज में जो टेंसेज के सेंटेंसेज होते हैं जिसको हम एक्टिव बोलते हैं, उसमें क्या फ़र्क होते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि वॉइस का सेंटेंस पहचान में कैसे आएगा कि ये वॉइस है। वॉइस में सब्जेक्ट पर फोकस नहीं होता है बल्कि किए गए काम पर फोकस होता है, मतलब एक्टिव जो होता है यानी जो सिंपल टेंसेज के सेंटेंसेज होते हैं, सिंपल सेंटेंसेज जो होते हैं टेंस के जो वॉइस में नहीं होते हैं, उसमें सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है। ये बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम हो रहा है यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस में सिर्फ काम किया जाता है पर फोकस किया जाता है। ठीक है, आम राम आम खाता है, ओके राम आम खाता है, इस पे राम पे फोकस किया गया कि राम आम खाता है, लेकिन आम खाया जाता है, यहाँ पर आम खाने की बात पर फोकस की गई है। यानी कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है वो एक्टिव में हो गया, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा काम करने की बात नहीं की जा रही है बल्कि सिर्फ काम किए जाने की बात की जाती हो, यानी कि काम किया जाता है, एक में काम करने वाला है, काम कोई कर रहा है या करता है, और दूसरे सेंटेंस यानी पैसिव वॉइस में काम किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो जो आपने थंबनेल पर देखा, इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, तो सारे के सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के ही थे। ओके फ्रेंड्स, तो पैसिव वॉइस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जो उसका फॉर्मूला होता है उसमें सब्जेक्ट जो होता है उस सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, ये एक्टिव सेंटेंस हो गया, राम को पढ़ाया जाता है, ये हो गया पैसिव सेंटेंस यानी वॉइस के सेंटेंस, पैसिव वॉइस। तो राम पढ़ता है में राम सब्जेक्ट है और पढ़ना क्रिया हो गया, राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ता है, राम क्या करता है, पढ़ता है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा काम होने की बात बताई जा रही है, बट राम को पढ़ाया जाता है यानी कि कोई काम किया जाता है। जब ऐसा अर्थ आए सेंटेंस से तो समझ लेना कि वो पैसिव सेंटेंस है। ओके फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव सेंटेंसेज होते हैं उसमें
इजारेम लगता है और V3 लगता है। जितने भी पैसिव होते हैं सब में V3 का इस्तेमाल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे इन सेंटेंसेस को। ये सेंटेंस देखिए, ये सारे के सारे सेंटेंस पैसिव वॉइस के हैं। जो आपने थंबनेल पर देखा वो सारे सेंटेंस भी इसमें ही शामिल हैं। तो हम इनको एक एक करके बनाते हुए समझते जाएंगे। जो पहला सेंटेंस है, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है मतलब ये दिस इज एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस क्या है, इसको हम बनाएंगे, इसको हम राम रीड्स। अब हम अगर पैसे में इसको बोलेंगे तो राम को पढ़ाया जाता है, राम इज टाउट। दूसरा सेंटेंस है, राहुल सुरेश को पढ़ाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा काम को करने की बात हो रही है, राहुल सुरेश को पढ़ाता है, राहुल टीचेस सुरेश। बट इसका जब हम पैसिव में बोलेंगे कि सुरेश को पढ़ाया जाता है, सुरेश को पढ़ाया जाता है, तो सुरेश इज टाउट। तीसरा है, उसकी रोज कुटाई होती है। रोज कुटाई होती है मतलब उसको रोज पीटा जाता है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में ऐसे ही बोलते हैं कि उसकी रोज धुलाई होती है या उसकी रोज कुटाई होती है। ही इज बीटन एवरी डे। मेरे दुकान में अंडा नहीं बिकता है, एग्स आर नॉट सोल्ड इन माई शॉप। गधे कहाँ मिलते हैं। अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो लड़के ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा टेंस है, भला टेंस है या पैसिव है, वो नहीं समझ पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये है पैसिव वॉइस। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि गधे कहाँ पाए जाते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं इस सेंटेंस को, वेयर आर डंकीज फाउंड। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है या मेरे साथ ऐसा क्यों किया जाता है। व्हाई इज इट हैपेंड विथ मी। तुम्हारी बेइज्जती क्यों होती है या तुम्हारी बेइज्जती क्यों की जाती है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। व्हाई आर यू इंसल्टेड। ओके फ्रेंड्स, ये जो वे बताया मैंने, आपको ये जानना ज़रूरी था कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं। तो इस तरह की बातें हैं पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में, जो आपको अभी समझने के लिए मिला। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि पैसिव सेंटेंसेस और एक्टिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। ज़्यादातर ये सोचते हैं कि पैसिव सेंटेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है, राम के द्वारा आम खाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि राम के द्वारा आम खाया जाता है, बट ऐसा तो होता है कि गर्मियों में आम खाए जाते हैं, भारत में आम पाए जाते हैं, नेपाल में इंग्लिश भी बोली जाती है, नेपाल में हिंदी भी बोली जाती है, मेरे गांव में दिवाली नहीं मनाई जाती है, ऐसा तो हम इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये सारे सेंटेंस पैसिव के हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस का हम इस्तेमाल पैसिव वॉइस में करते हैं। और जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन में पैसिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ओके फ्रेंड्स, दरअसल होता क्या है कि जिनको सिर्फ टेंस और बेजी का नॉलेज है और पैसिव सेंटेंसेस का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या उनको वो यूज टू नहीं हुए हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए, तो वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, वहाँ पर वो पैसिव इस्तेमाल करने के बजाय वो एक्टिव का इस्तेमाल करके काम चला लेते हैं। बट पैसिव का इस्तेमाल क्यों होता है अभी आप समझ चुके होंगे कि जैसे क्या तुम अपने गांव में दिवाली मनाते हो, तो यहाँ पर फोकस किस बात पर है कि क्या तुम दिवाली मनाते हो। अगर मैं बोलूँगा नहीं मैं नहीं मनाता हूँ, तो पूछेगा क्यों नहीं मनाते हो, तुम किसके साथ मनाते हो, अगर मनाते हो तो किसके साथ मनाते हो, कैसे मनाते हो, ये सारी सवाल आएंगी। बट अगर ऐसा पूछा जाए कि क्या तुम्हारे गाँव में दिवाली मनाई जाती है, तो यहाँ पर हम दिवाली पर फोकस कर रहे हैं कि क्या तुम्हारे गांव में दिवाली मनाई जाती है। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे, इज द दिवाली सेलिब्रेटेड इन योर विलेज। अगर हम बोलेंगे कि मैं दिवाली नहीं मनाता हूँ, आई डोंट सेलिब्रेट दिवाली। अगर हम बोलेंगे दिवाली नहीं मनाई जाती है, तो दिवाली इज नॉट सेलिब्रेटेड। ओके फ्रेंड्स,
आम गर्मियों के मौसम में खाई जाती है। मैं आम गर्मी के मौसम में खाता हूँ, दोनों सेंटेंस में फ़र्क हो गया ना। मैं आम यानी कि मुझ पर फोकस किया जा रहा है कि मेरे बारे में जाना जा रहा है कि मैं गर्मी के मौसम में आम खाता हूँ। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि आम गर्मियों के मौसम में खाया जाता है, तो फिर यहाँ पर हम आम पर फोकस कर रहे हैं कि आम के बारे में हम ज़्यादातर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं गर्मियों में आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो इन समर सीजन। और आम गर्मियों में खाया जाता है, द मैंगो इज ईटन इन समर सीजन। ओके फ्रेंड्स, बस सिंपल है, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो ताते ती लास्ट में आएगा, ताहे ती है। बट सेंटेंस में अगर समझ में ना आए तो ये समझ लेना कि क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा काम होने का डायरेक्ट संबंध बताया जा रहा है। अगर बताया जा रहा है तो वो एक्टिव है, अगर नहीं बताया जा रहा है तो वो पैसिव है। जैसे मेरे पिताजी मुझे पीटते हैं, तो मेरे पिताजी सब्जेक्ट हुआ, और काम कौन कर रहा है पीटने का, मेरे पिताजी। तो ये डायरेक्ट इसका वर्ब से कनेक्शन हो गया, यानी संबंध हो गया, तो ये हो गया एक्टिव। अगर मैं बोलूँगा कि मुझे पीटा जाता है, मुझे पीटा जाता है, अगर यहाँ पर हम मुझे को सब्जेक्ट समझ लेते हैं, तो पीटाना यानी कि पीटना वर्ब हुआ, इसका मुझे से नहीं संबंध है, काम करने वाला कोई और है। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर सब्जेक्ट का डायरेक्ट संबंध वर्ब से नहीं हो रहा है, तो ये पैसिव हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से पहचान सकते हैं आप, तो इस तरह से सेंटेंसेस को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं आप, पहचान सकते हैं कि कौन सा एक्टिव है और कौन सा पैसिव है। ओके फ्रेंड्स, वह अपनी दुकान में दूध नहीं बेचता है, ही डजंट सेल मिल्क इन हिज शॉप। तो ये वह अपनी दुकान में दूध नहीं बेचता है, तो बेचना यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया। कौन, वह नहीं बेचता है, डायरेक्ट संबंध हो रहा है, काम करने वाला वह हो गया, और क्या कर रहा है वो, बेचना, नहीं बेचता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बोले कि उसके दुकान में दूध नहीं मिलता है, उसके दुकान में दूध नहीं मिलता है, यहाँ पर कौन काम करने वाला है, कौन सब्जेक्ट है, डायरेक्ट संबंध नहीं हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, दूध नहीं मिलता है, तो द मिल्क इज नॉट फाउंड इन हिज शॉप, या उसकी दुकान में दूध नहीं बेचा जाता है, मिल्क इज नॉट सोल्ड इन हिज शॉप। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न बाकी रहता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछा कीजिए कि आपको क्या कन्फ्यूज़न बाकी रह गया है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीखते रहे। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे, और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है जहाँ पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए, सारे वीडियोज आ जाएंगे। यहाँ पर 7 वीडियो हैं, इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा।